असलकुम एपिसोड नंबर ट्वेंटी फोर नूरी मेरी चाय यहाँ लाउंज में ले आओ जहरा ने लाउंज में आकर एल सी डी ऑन करते हुए नूरी को आवाज़ दी जी जारा बाजी अभी लाई नूरी ने किचन से ऊंची आवाज़ में उसकी बात का जवाब दिया घर के सब अफरात नाश्ता कर चुके थे रात ये लोग डिनर से काफ़ी लेट आए थे जबकि सब अपने वक्त पर नाश्ता करके ऑफिस जा चुके थे और जारा हैदर की सुबह दिन के एक बजे हुई थी जारा का नाश्ता करने को बिल्कुल भी मूड नहीं था इसलिए नूरी को सिर्फ चाय का बोलकर लाउंज में आ गई आज अरसलान वापस रावलपिंडी जा रहा था उसके तीन दिन की छुट्टियां ख़त्म हो गई थीं। नोरीन बेगम इसके कमरे में थी उसकी पैकिंग में उसकी हेल्प करवा रही थी दादी अपने कमरे में कुरान पाक पढ़ रही थीं हैदर साहब और आदिल साहब दोनों ऑफिस जा चुके थे राबिया बेगम अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी इनका ससुराल में कम ही दिल लगता था माह हम जाने कहा थी पूरे घर में फिल वक्त खामोशी थी सिर्फ किचन में नूरी लंच की तैयारी कर रही थी जारा कल रात से ही बहुत खुश थी उसका मूड काफी बेहतर था जारा ने लाइट पिंक कलर का ट्राउजर साथ खुला फिरोजी रंग का कुर्ता पहना था स्किन कलर की शॉल को अपने शानों पर अच्छे से लपेटा हुआ था बालों का रफ सा जुड़ा बनाए वो बहुत प्यारी लग रही थी जारा एल पर यूं ही चैनल सर्चिंग कर रही थी जब किसी ने इसके आगे चाय का मग किया थैंक यू सो मच नूरी जारा ने एल से नज़रें हटाकर जब मग थामना चाहा तो माहम ने मुस्कुरा कर इसे देखा इसके लिए चाय नूरी नहीं माहम लाई थी जारा का हाथ हवा में ही मौलिक रह गया था और जहन था जो इसे कुछ पीछे ले गया था तुमने मेरी बेटी को अपनी नौकरानी समझा हुआ है कभी माहम ये बना दो माहम वो बना दो अपना काम खुद करना सीखो बीबी मेरी बेटी तुम्हारी मुलाजमा नहीं है आइंदा अगर मैंने तुम्हें माहम से कोई काम कहते या कोई फरमाइश करते देखा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्या हुआ जारा लोना मैंने बनाई है तुम्हारी फेवरेट ग्रीन टी माहम ने चाय का मग इसकी तरफ मजीद बढ़ाते हुए कहा आ दिल नहीं कर रहा अब मेरा जारा ने स्पॉट से चेहरे से बगैर माहम को देखे कहा और अपने जूते पहनते हुए वहां से उठ गई लेकिन जारा तुमने अभी तो नूरी को चाय लाने का बोला था अब इतनी जल्दी तुम्हारा मूड भी बदल गया माहम उसे देख कर जल्दी से कहा उसे जारा का रवैया काफी अजीब लगा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज आइंदा मेरे किसी भी काम को हाथ मत लगाना जारा ने संजीदगी से कहा और बगैर माहम को देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई जबकि दिल में वो खुद को अपने तल्ख रवैये पर कोस रही थी लेकिन फिलहाल वो मजबूर थी माहम ने बे से जारा को देखा उसे कल रात से जारा का मूड उसके साथ किसी बात पर ऑफ लगा था माहम का दिल छोटा सा हो गया जाने जारा को क्या हुआ था आज से पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया था क्या तुम दोनों की कैट फाइटिंग हुई है अरसलान अपने कमरे से निकला था जब उसने जारा का जवाब सुना था और उसके तासुरात दिखे थे अरसलान बहुत हैरान हुआ था क्योंकि जारा अरसलान से तो नाराज हो सकती थी लड़ सकती थी मगर माहम से नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं माहम ने शाने उछकाते हुए बगैर अरसलान को देखे कहा क्या मैं ये ले सकता हूँ अरसलान ने पूछने के साथ ही माहम के हाथ में पकड़ा चाय का मग इसे लिया जिसे उसके हाथ की पहली तीन उंगलियां माहम के हाथ से मिस हुई थीं माहम ने करंट खाकर मग पर से अपनी गिरफ्त हटाई थी जिसे अरसलान ना चाहते हुए भी इसकी शक्ल देख कर मुस्कुराया तुम्हें कैसे पता मेरा ग्रीन टी पीने को दिल कर रहा था अरसलान ने इसे तंग करने का इरादा किया और एक कदम मजीद चलकर माहम के पास आया मैंने जारा के लिए बनाई थी आपके लिए नहीं माहम इसके एक कदम आगे बढ़ाने पर थोड़ा सा पीछे हुई थी अच्छा मुझे लगा कि शायद दिल को दिल से राह होती है वाली पॉलिसी हमारे दरमियान भी हो अरसलान ने अफसोस से माहम को देख कहा माहम ने बेयकनी से अरसलान को देखा जबकि माहम को तो आज तक अरसलान के मिजाज की समझ नहीं आई थी और जब से अरसलान ने माहम से अपनी गलती की माफी मांगी थी वो काफ़ी बदल गया था माहम ने तब से अक्सर इसके लहजे में अपने लिए मोहब्बत महसूस की थी फर्क सिर्फ इतना था कि पहले सिर्फ वो इससे मोहब्बत करती थी जबकि अब मोहब्बत का जवाब दूसरी तरफ से भी मोहब्बत से मिलता था माहम ये सब सोचते हुए मसलसल अरसलान को देख रही थी बगैर पलक जबके पेपर्स कब खत्म हो रहे हैं तुम्हारे अरसलान ने अपनी बात से सुन खड़ी माहम को दोबारा मुहातिब किया और अपनी बात बदली उसके दोबारा मुहातिब करने पर माहम की सोचों का महवर टूटा था और वो चौंक कर हाल में वापस आई थी जाने क्यों वो अरसलान की थोड़ी सी तवज्जा मिलने पर उसके प्यार से बात करने पर अपने होश खोने लगती थी हाँ क्या कहा आपने माहम ने उसकी बात नहीं सुनी थी होश में होती तो ज़रूर सुनती और अब बुखला दोबारा पूछ रही थी मैंने पूछा है कि पेपर्स कब ख़त्म हो रहे हैं तुम्हारे अरसलान ने उसकी हालत से लफुंदोस होते हुए मुस्कुराहट लबों पर रोक कर कहा ओ पेपर्स कल लास्ट है माहम ने फौरन इसकी बात का जवाब दिया जबकि अरसलान की मुस्कुराहट से वो कुछ-कुछ शर्मिंदा हुई गुड फिर क्या करने का इरादा है अरसलान ने चाय का सिप लेते हुए इससे पूछा इससे बातों के दौरान वो अपनी चाय भी खत्म करने में मसरूफ था अरसलान ने कभी माहम से इतनी तवील गुफ्तगू नहीं की थी वो आज वापस रावलपिंडी जा रहा था और ये पहली दफा था कि उसका वापस जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वरना इससे पहले तो वो अपने कैरियर को लेकर बहुत था शायद तब मोहब्बत नामी एहसास से नावाफ था कुछ नहीं माहम ने मुखसर सा जवाब दिया और पलट कर जाने लगी जबरस्लान ने उसे आवाज दी माहम मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई है जो भी बात है उसे आपस में मिलकर हल कर लेना मुझे तुम दोनों एक साथ बहनों की तरह रहते हुए ही अच्छी लगती हो जानती हो ना जारा मेरे लिए क्या है इसलिए जब मैं अगली दफा घर आऊ तो मुझे तुम दोनों एक साथ हंसती मुस्कुराती दिखो अरसलान ने समझाने वाले अंदाज में माहम को देख अपनी बात कही और अपने हाथ में पकड़ा हाली चाय का मग माहम के हाथ में थामी ट्रे में रख कर वहां से चले गया जबकि माहम जाने कितनी देर अरसलान को जाता देखती रही यहाँ तक कि वो लाउंज से होकर दादी के कमरे में एंटर हो गया बेचारी गाड़ी आप जैसे नाकस ड्राइवर की वजह से जलकर मर गई कुछ भी नहीं बचा हानिया ने अपने सामने क्रचिस की मदद से वॉक करते हादी को देखकर कहा हादी का जख्म अब पहले से काफी बेहतर था वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पाओ पर वजन डालकर लॉन में वॉक कर रहा था जबकि सर पर अभी भी हनूज पट्टी बंधी हुई थी महंगी दवाइया और अच्छी खुराक थी जिससे उसके जख्म जल्दी भर रहे थे हदीद और हानिया एक घंटे पहले हादी के घर आए थे उससे मिलने हादीत जब हादी के घर आया तो हादी बड़े मजे से अपने कमरे में बैठा क्राउन से टेक लगाकर मूवी देख रहा था हादी के तो मजे थे पूरा घर उसके आगे पीछे फिर रहा था हदीर ने उसकी तबीयत पूछी फिर इसे जबरदस्ती सहारा देकर नीचे लॉन में लाया और अपने पाओं पर वजन डालकर इसे वॉक करने को कहा जबकि हादी का इतनी ठंड में और इतनी अच्छी मूवी को छोड़कर वॉक करने का एक फीसद भी इरादा नहीं था हदीद इसके साथ ही लॉन में आया था जब मुलाजिम ने इसे इब्राहिम साहब का पैगाम दिया कि वो इसे अंदर बुला रहे हैं तो हदीद उनकी बात सुनने अंदर चला गया हानिया ने हाथ में फ्राइज की प्लेट पकड़ी हुई थी जिसे वो नॉन स्टॉप खाते हुए बोल रही थी और मुसलसल हादी का सर खा रही थी जबकि हादी भी कहा पीछे रहने वाला था वो भी इसे अगले पिछले हिसाब निकाल कर बैठा था ये तुम मेरी यादत करने आई हो या मेरी कार के जल जाने पर मुझे ताने मारने आई हो उसकी बात सुनकर तो हादी ख्वाम ही सिरपा हुआ नहीं अब ऐसी बात भी नहीं है मैं अपने इतने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आपकी इयादत करने ही आई हूँ आने ने अपनी अहमियत जतानी जरूरी समझी मलिका आलिया आपकी बड़ी नवाजिश जो आप मुझ गरीब के लिए इतना वक्त निकाल कर आई हादी ने घर कर बड़े मददब में से देख कर कहा इट्स ओके okay. मैं ऐसे छोटे मोटे एहसान करती रहती हूँ हानिया ने अपनी शर्ट का कॉलर थोड़ा ऊपर करके श्याने बे न्याजी से कहा हादी ने उसकी अदाकारी देकर सर झटका वैसे मैं सीरियस में आपके एक्सीडेंट का सुनकर बहुत डर गई थी हानिया ने सीरियस होकर इसे बताया वो वाकई ही बहुत डर गई थी अच्छा मुझे तो लगा कि तुम खुश होगी कि अच्छा है आदि बाइक को भी चोट लगी हादी ने इसकी बात का आबरूज हुए जवाब दिया अस्तक फिरल्लाह हादी भाई हमारी दुश्मनी अपनी जगह मगर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा हानिया ने फौरन इसकी बात का जवाब दिया गोया उसे कुछ कुछ दुख भी हुआ था हादी की बात से हाँ हाँ बस करो जानता हूँ मैं तुम्हें हादी ने इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा अल्लाह जाने इन दोनों का क्या बैर था इनकी भी आपस में कभी नहीं बनी थी आने दे हदीत भाई को वो बताएंगे आपको कि मैंने कितनी दफा कॉल करके आपके बारे में आपकी तबीयत के बारे में पूछा था हानिया ने हादी की सर्द मिजाजी देखते हुए सदमे से फ्राइज की प्लेट टेबल पर रख दी और हादी को देखते हुए कहा मैं इससे क्यों पूछूं जब मैं खुद तुम्हें अच्छे से जानता हूं अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी तो मुझसे मिलने हॉस्पिटल आती मगर नहीं वहां पर इतने मज़े के फ्राइज जो नहीं मिलते थे इसलिए तुम्हें यहाँ पर मेरा पता लेने आई हो ताकि अपने फेवरेट फ्राइज खा सको हादी ने बेचारी हानिया को अच्छा खासा शर्मिंदा कर दिया आप लोग यूं कह सकते हैं कि हादी ने हर एक को तंग करने उनकी नाक में दम करने का बेड़ा उठा रखा था आप मुझे इतनी भूखी समझते हैं हादी भाई उससे तो अच्छा था कि मैं घर रहकर अपने पेपर्स की तैयारी करती हां वहाँ हाँ ही आप जैसे फजूल इंसान की यादत करने आ गई हानिया ने भी हिसाब बराबर करते हुए इसे देख कहा यह फजूल इंसान किसको कहा हानिया तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है हादी ने इसे घूरते हुए कहा आपसे तो छोटी ही है पहले तो सिर्फ लड़कियों की जुबानी ही लंबी होती थी मगर आपको देख कर लगता है की आजकल के लड़के जुबान चलाने में हम लड़कियों से भी चार हाथ आगे हैं हानिया अब इसके साथ और मजीद अच्छा नहीं बन सकती थी बिल्कुल सही कहा तुमने हानिया आई एम एग्री विद यू अमल ने लॉन में एंटर होते हुए इसकी बात सुनी और साथ ही साथ अपना कमेंट भी किया अमल सुबह आठ बजे हॉस्पिटल से वापस आई थी और बेहद थकी हुई थी वो अपने कमरे में जाने से पहले आदि के कमरे में गई थी जहाँ वो दुनिया जहा से बेखबर सोया हुआ था अमल उसे एक नजर पुरसुक सोया देख अपने कमरे में चली गई थी और जाते ही खुद भी सो गई थी चलो जी इसकी कमी थी। हादी ने इसके हानिया की बात में हामी भरने पर जलकर कहा थैंक यू अमल आपी थैंक गॉड आप पर इनका असर नहीं हुआ हानिया ने मुस्कुराते हुए पहली बात उसे देखकर कही और दूसरी बात पर मुंह चिड़ा हादी को देखा माय प्लेजर उसका और मुझ पर असर होगा इम्पॉसिबल अमल ने हादी की तरफ देख कर तनसन कहा उसे इस वक्त बेहद गुस्सा था जिसने पूरे हॉस्पिटल में उसकी शादी की खबर फैलाई थी लेकिन वो फिलहाल चुप थी हादी ने इसके जवाब पर इन दोनों को घूर कर देखा जो एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा रही थी हानिया तुम्हें अंदर मोम बुला रही है तुम्हारा फेवरेट लजानिया बनवाया है इन्होंने हरिअप अमल ने इसे बताने के साथ ही इसका हाथ पकड़कर इसे उठाया वाओ सायरा आंटी कितनी स्वीट हैं पता नहीं ये किस पर चले गए हैं हानिया ने पुरजोशी से अपनी पहली बात अमल से कही और दूसरी बात पर अफसोस से हादी को देखते हुए अमल के साथ आगे बढ़ गई मुझे सही होने तो एक दफा तुम दोनों को देख लूँगा हादी ने चिल्ला कर कहा जबकि अमल और हानिया सुनी अनसुनी करती अंदर की तरफ बढ़ गई एक पूरी जंगली बिल्ली है और दूसरी जहली डॉक्टर ना हो तो हादी ने इन दोनों की पुश्त को घूरते हुए कहा इसके बाद हादी पांच मिनट तक वॉक करता रहा जबकि इस दौरान वो हदीद का इंतजार कर रहा था जो इब्राहिम साहब की बात सुनने अंदर गया था और अब तक बाहर नहीं आया था हादी ने झुंझुला कर अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर हदीत को कॉल की थी कमीने मुझे यहाँ वॉक पर लगा कर खुद अंदर जाकर सो गया है क्या और डैड तुझे कौन सी लोहरिया सुना रहे हैं जो तेरा बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा हादी ने कॉल रिसीव होते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू किया जबकि दूसरी तरफ स्पीकर से बरामद हुई आवाज़ को सुनकर हादी की दोनों आंखें हैरत से उबलने को थीं। ये कौन सा तरीका है बात करने का हादी पढ़ लिख कर गवाया है तुमने तुमसे अच्छे तो अनपढ़ होते हैं कम से कम इन्हें दूसरों से बात करने की थोड़ी बहुत तो सेंस होती है गंदी औलाद इब्राहिम साहब की गरजदार आवाज थी जिसने हादी का सांस तक खुश्क कर दिया था इब्राहिम साहब इसे थोड़ी सी झार पिला कर आहिर पर एक खिताब से नवाजा सुसोरी डैड पूछे लगा के हादी ने थोड़ा शर्मिंदा सा होकर अपनी बात कहनी चाही तभी दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई हादी ने बेबसी से फोन को देखा चल बेटा तेरे अच्छे दिन खत्म हो गए अब वापस डैड से जलील होने के लिए तैयार हो जा हादी ने खुद कलामी करते हुए कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया हदीद कब से इब्राहिम साहब के पास स्टडी में बैठा था अभी वो स्टडी रूम से बाहर निकला ही था और लॉन की तरफ बढ़ने लगा जब उसे रास्ते में अमल मिल गई तो वो इसे मामूल की गुफ्तू में मसरूफ़ हो गया उसका मोबाइल स्टडी रूम में ही रह गया था उसके स्टडी रूम से निकलते ही हादी की कॉल आई थी इब्राहिम साहब हदीद का मोबाइल इसे देने इसके पास जाने वाले थे जब स्क्रीन पर चमकते हादी के नंबर को देख इन्होंने कॉल रिसीव कर ली थी कि शायद हादी को किसी मदद की जरूरत ना हो मगर दूसरी तरफ से अपने बेटे का इतना मीठा लहजा सुनकर इनकी पेशानी तपी थी बेचारा हाथी इब्राहिम साहब के हाथों हमेशा ही जलील होता आया था आयमा बेगम जैसे ही घर में दाखिल हुई तो अपने सामने नजर आते मंजर को देखकर इनके माथे पर ना गवारी की लकीरें उभरी थीं। वो अपनी महंगी साड़ी में मलबूस कदम कदम चलकर लाउंज में आई थीं। अनाया टेबल पर पड़ा केक प्लेट्स में निकाल कर घर के मुलाजमिन को टेस्ट करवा रही थी जो थोड़ा झिझकते हुए महंगे और कीमती सोफा पर बैठे थे और मुस्कुराते हुए अनाया की बढ़ाई हुई प्लेट से केक खा रहे थे अनाया के चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी इन सबको को देख कर अनाया अपना दिल ऐसे ही इन लोगों से लगाया करती थी अनाया ने बालों का मैसी सा जुड़ा बनाया हुआ था जिसमें से घुरियालीटें निकल कर इसकी गुलाबी गालों को छू रही थीं। पर्पल कलर का खूबसूरत सा काफ्तान पहनी अनाया मुराद खूबसूरती की मिसाल थी अनाया ने अप्रैल अभी तक पहना हुआ था जो कुछ देर पहले उसने कुकिंग करते हुए पहना था क्या हो रहा है यहाँ पर आयमा बेगम की धार पर हर जीरो का सांस रुका था गोया उन सब के मुंह में जाते हाथ रुके थे और मुंह में मौजूद निवाले हलक में ही अटक गए थे जबकि अनायापुर सुकून थी हेलो मॉम गुड इवनिंग आइए आप भी हमें ज्वाइन करें आपको पता है मैंने वेलवेट केक बनाया है आपको निकाल कर दू टेस्ट करके बताइए कैसा बना है अनाया ने इन्हें देख पुरजोशी से पूछा इतना कुछ था उसके पास अपनी माँ से शेयर करने के लिए जबकि अनाया बेगम के पास अपनी बेटी के लिए वक्त न था शाटा पनाया, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोगों की औकात है इतने महंगे सोफों पर बैठने की दफा हो जाओ फौरन सब के सब यहाँ से आयमा बेगम ने इन सब को देख कर हकारत से कहा आयमा बेगम करूर और तकबूर के नशे में डूबी हुई एक हाई सोसाइटी वुमेन थी मॉम काम डाउन मैंने ही इन सब को यहाँ बैठने का कहा है और ये सब इंसान ही हैं कोई जानवर नहीं जो इनके बैठने से ये सोफे बैठने के काबिल नहीं रहेंगे अनाया को अपनी माँ का रवैया मुलाजिम इनके साथ बहुत बुरा लगा था तुम तो खामोशी रहो और तुम सबको सुनाई नहीं दिया गेट लॉस्ट इनके कहने की देर थी मुलाजिम एक लम्हे लाउंज से गायब हुए थे इनके जाने के बाद आयमा बेगम का रुख अनाया की तरफ था जो कि अफसोस से इन्हें देख रही थी तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हें कौन सी जुबान में समझाऊं कि इन मिडिल क्लास लोगों से दूर रहो लूट कर खा जाएंगे तुम्हें मगर पता नहीं तुम कौन सी मिट्टी की बनी हो आयमा बेगम ने अनाया को देख कर गुस्से में कहा मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और आखिर आपको इन लोगों से मसला क्या है यही मिडिल क्लास लोग दिन रात हमारी खिदमतें करते हैं अगर मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया या प्यार से बात कर ली तो क्या गलत है इसमें मेरी नज़र में सब इंसान बराबर हैं मोम ये अपर क्लास और मिडिल क्लास हमारे ही बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं असल वैल्यू तो इंसान की होती है अनाया ने इन्हें समझाना चाहा प्लीज़ अनाया अपना यह फजूल सा लेक्चर अपने पास ही रखो मैं तुम्हारी माम हूँ तुम मेरी माँ नहीं तुम अपना हुलिया देखो क्या बना रखा है तुमने कहीं से भी हमारी बेटी नहीं लगती ऊपर से तुम्हारी हमदर्दियाँ तुम्हारी आदतें पता नहीं तुम किस पर चली गई हो आयमा बेगम ने तनफुर से अनाया को देख कर कहा इन्हें अनाया का मुलाजम को लिफ्ट करवाना सख्त खोलता था या घर में अपने ऊपर बहुत कम ही तो देती थी जिस पर इन्होंने चोट की क्या हुआ है मेरे को माम अच्छे भले कपड़े तो पहने हुए हैं और क्या करूं? अनाया ने उनकी बात से झुंझुलाकर कहा ये तुमने मासी की तरह एप्रन क्यों पहना हुआ है कई दफा मना किया है तुम्हें कि किचन में मत जाया करो तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी अपना ख्याल रखो तुम नाजो को देखो कितना मेनटेन रखा हुआ है उसने खुद को कहीं से भी वो एक बच्चे की मां नहीं लगती और तुम मुझे हमेशा ही मायूस करती हो आयमा बेगम ने इसकी लापरवाह तबीयत पर अफसोस से नाजो का हवाला देकर इसे समझाना चाहा। नाजो बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी उसकी शादी को पांच साल हो चुके थे मगर वो आज भी बिल्कुल अपने नाम की तरह नाजुक और पतली दुबली थी वजह खुद पर तो देने वाली थी जिसने उसको जवान रखा था जब आपके और डैड के पास मुझे देने के लिए टाइम ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊ ऑफिस से आकर सारा दिन पागलों की तरह आप दोनों के वापस आने का इंतजार करती हूँ मगर आप लोग अनाया की आंख से आंसू टूट कर गिरा था अपनी दुनिया में इस कदर मसरूफ है कि आप लोगों को याद ही नहीं कि आपकी एक छोटी बेटी भी है अनाया ने अपनी बेबसी अपने अंदर की तन्हाई का इजहार किया तो तुम्हें कौन कहता है घर पर रहने को घर से बाहर निकलो घूमो फिर इंजॉय करो मेरी जान अपने फ्रेंड्स के साथ आउट ऑफ कंट्री चली जाओ ट्रिप पर नए दोस्त बनाओ मैं और तुम्हारे डैड इतना किसके लिए कमाते हैं तुम्हारे लिए ना आयमा बेगम ने इसके आंसू देखकर लहजे में थोड़ा नरमी लाते हुए कहा लेकिन मुझे आपकी और डैड की जरूरत है मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ प्लीज मॉम मुझे अपने पूरे दिन में से दस मिनट ही दे दिया करें अनाया ने बेबसी से रोते हुए कहा वो खुद को बहुत तनहा महसूस करती थी अपने माँ बाप के होते हुए भी उसके पास कोई भी नहीं था जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर करती अपने दिल का हाल सुनाती डार्लिंग तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम कोई टिपिकल हाउस वाइफ नहीं है जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास घर बैठ जाए और प्लीज अनाया ये रोना बंद करो क्या जाहलों की तरह रो रही हो इतनी सी बात पर आयमा बेगम ने इसे टेबल पर पड़े टिशू में से एक टिशू निकाल कर दिया और आंसू साफ करने को कहा अनाया को समझ नहीं आया कि क्या कोई माँ अपनी औलाद से इतनी बेरुखी से भी पेश आ सकती है वो इनके बड़ाए हुए टिशू से अपनी गीली आंखें साफ कर गई जबकि दिल में शिदत से ख्वाहिश उठी थी कि वो इसे अपने सीने से लगा ले गुड चलो जाओ और जाकर अपना यह ड्रेस चेंज करो जो मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस डिजाइन किए हैं सिर्फ वही पहना करो ओके गुड गर्ल वो अनाया के जरा सा करीब होकर उसका गाल थपथपा कर चले गई थी इनकी हील की टिक टिक पूरे घर में गूंज रही थी जबकि अनाया खामोश नजरों से इन्हें जाता देखती रही और फीका सा अपनी किस्मत पर मुस्कुरा कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई तुमसे एक काम कहा था मगर मुझे लगता है तुमसे नहीं होगा बड़े ही कोई बेकार और सुस्त इंसान हो तुम हदीद ने तंस करते हुए से कहा। हदीद रात के एक बजे अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था ठंड की वजह से मतला धुंध आलूद था एक तो तुम बड़े बेसब्रे हदीद। तुम्हारा काम मैंने कर दिया है और उसकी डिटेल्स भी मैं तुम्हें मेल कर रहा हूँ देख लो जिस ट्रक से हादी का कार एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक ड्राइवर को मैं अरेस्ट कर चुका हूँ और काफी हाथ के बाद उसने मुझे असल बंदे का नाम बता दिया है ऑन ने इसकी तसली करवानी चाहिए अगर तुम्हें उसका पता चल गया है तो कल रात उसे फिक्स करो जगह और टाइम में बताऊंगा हदीद ने लाभ बींचते हुए कहा मेरी जान थोड़ा सब्र कर ले वो बंदा इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है लंदन के क्लबों में अपनी जिंदगी के अच्छे दिन पूरे कर रहा है वो जैसे ही पाकिस्तान आएगा मैं तुझे इन्फॉर्म कर दूंगा ऑन ने इतमान से कहा कब तक आएगा वो वापस कोई आइडिया हदीद ने पेशानी मसलते हुए कहा एक तो उसका है, इस वक्त शिदत से किसी की हड्डी पसली तोड़ने का दिल कर रहा था मगर उसका शिकार था कि उसके कब्जे से बहुत दूर था हाँ, अगले हफ्ते ही वापस आ रहा है मैंने सारी ले रखी है मेरी जान सुकून से सोचा मैं हूं ना ऑन ने इसे रिलैक्स करते हुए कहा ओके बाय हदीत ने मोतसर सा जवाब देकर फोन बंद कर दिया जबकि ऑन जो इंतजार में था कि हदीत इसे शाबाशी देगा या नहीं तो इसका शुक्रिया अदा करेगा इसके मुख्तसर जवाब पर महज फोन को देख रह गया उसे हदीद कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आता था उसे फोन पर बात करके हदीद अपने कमरे की तरफ बढ़ा था मगर दिल था जो इसे मजबूर कर रहा था कि वो अपने बाईं तरफ देखे जैसे वहाँ पर जारा हैदर मौजूद हो हदीद ने ना चाहते हुए भी दूसरी तरफ गर्दन मोड़कर हाली को देखा था उसका जहन उसे कुछ पीछे ले गया था जब उसने इसी तरह रात के इस पहर पहली दफ़ा काले कालेबटट्टे के हाले में चांद की रोशनी में नजर आते जारा हैदर के बेदाग खूबसूरत चेहरे को देखा था उस पहली नजर का ही कसूर था जिसने ज़ारा को इसके दिल में खास मुकाम पर फाइज कर दिया था जिसने जारा हैदर को खास और बाकी हर लड़की को आम करार दे दिया था काश तुम कभी इस्लामाबाद ना आती कभी ना खदीद के चेहरे के तसुर बदले थे जहाँ थोड़ी देर पहले उसे सोचते हुए नरमी थी वहाँ अब उसकी बेदाग पेशानी पर बल वाजिया नमुदार थे नागवारी ही नागवारी थी जो कि हदीद के चेहरे पर फैली हुई थी वो अपनी बात कहता बगैर एक और नजर बालकनी पर डालता वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था हाँ अलबत्ता जाते जाते वो बालकनी की मुंडेर पर पड़ा गमला हाथ मारकर नीचे गिरा कर तोड़ चुका था जो कि सीधा नीचे हाली पड़े लॉन में गिरा था गुस्से में चीजों को तोड़ना हदीब की आदत थी नूरी मैंने तुम्हें रात कहा था कि अपने सब काम जल्दी खत्म कर लेना हमें चलना है जारा बिल्कुल तैयार होकर नूरी के सर पर खड़ी थी जारा ने आज पब्लिक लाइब्रेरी जाने का प्लान बनाया था जारा को इंग्लिश स्टोरीज खास तौर पर जासूसी कहानियां बहुत पसंद थी वो हर मंडे को लाइब्रेरी का एक चक्कर जरूर लगाया करती थी जबकि तब्दीली सिर्फ ये आई थी कि इससे पहले तो जारा हर बार माहम के साथ जाया करती थी लेकिन इस बार उसने नूरी को कहा था कि वो इसके साथ चले सॉरी जारा बाजी में भूल गई आप बस मुझे दस मिनट दे दें मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती हूँ नूरी ने जारा की नाराजगी को देख कहा उफ नूरी जारा ने अफसोस से अपनी दोनों आंखें गोल गोल घुमाई थी तुमसे कितनी दफा कहा है कि मुझे बाजी मत कहा करो तुमसे तीन साल छोटी हूँ मैं मुझे जारा कहा करो जारा ने इसे हल्का सा डपटते हुए कहा वो नूरी को अक्सर इस बात पर डपट दिया करती थी नूरी ने इसे नाराज होता देखकर जल्दी से इस बात में सर हिलाया था जारा तुम कहीं जा रही हो माहम थोड़ी देर पहले अपना लास्ट पेपर देकर आई थी किचन में एंटर होते ही उसकी नजर नक सक से तैयार हुई जारा पर पड़ी तो बे पूछ बैठी जारा ने माहम की बात बात पर इस बात में सर हिलाया और मजीद वहां रुके बाहर जाने लगी और राबा बेगम की बातों के बाद से माहम से कतराने लगी थी उसने माहम से फासला इख्तियार कर लिया था लेकिन वो अपने दिल में माहम के लिए कोई बुराई नहीं लाई थी कहाँ जा रही हो इतना प्यारा तैयार होकर माहम ने हमेशा की तरह नरम से शोख लहजे में जारा से पूछा जबकि इसके मुहतसर जवाब से माहम को इसकी नाराजगी साफ महसूस हुई लाइब्रेरी जारा जवाब देकर किचन से बाहर जाने लगी जब माहम ने इसका हाथ पकड़ कर इसका रुख अपनी तरफ किया मेरे बगैर ही माहम ने इसे याद दिलवाना चाहा कि वो इसके बगैर कभी भी कहीं नहीं जाती थी तुम रेस्ट करो माहम काफी थक गई होगी जारा ने अपने हाथ से इसका हाथ हटाया और किचन से बाहर निकल गई माहम ने हाथ दर्जा यकीनी से जारा को देखा था और उसके पीछे ही गई थी तुम तो ऐसा क्यों कर रही हो जारा तुम मुझसे नाराज हो किसी बात पर अगर कोई बात है तो प्लीज मुझसे शेयर करो इस तरह बेरुखी तो मत दिखाओ माहम ने इसके लहजे में मौजूद अजनबियत का एहसास जारा को दिलाना चाह मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी माहम जारा ने शानी उचकाते हुए स्पॉट से तासुर से कहा और बगैर माहम को देखे दादी के कमरे में चली गई, जबकि माहम जारा के इतने खुश रवैये पर अपनी आंखों में आए आंसू छुपा गई इसके समझ से बाहर था जारा का रवैया सेकेंड फ्लोर से ये सारा मंजर देखती राबे बेगम के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी तुमने मेरी बेटी से फासला अख्तियार करके अच्छा किया जारा लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंखों में जो आंसू आए हैं उसका हिसाब तुम्हें देना होगा सूद समेत माहम की आंखों में आए आंसू राबे बेगम से छुपे न रह सके थे इन्होंने हकारत से दादी के कमरे के बंद दरवाजे को देखते हुए कहा वो सर झुकाए अपने कॉलेज के बेंच पर बैठी थी उसके सुनहरे बालों की बनाई हुई हाई पोनी उसकी कमर पर बिखरी हुई थी आज उसकी ग्रे आंखों में हद दर्जा उदासी थी बेरानी थी वाइट कॉलेज के यूनिफॉर्म में मलबूस हानिया मुस्तफ़ा बहुत उदास थी इस वक्त कॉलेज में ब्रेक टाइम था सब स्टूडेंट्स खाने पीने और इन्जॉय करने में मसरूफ थे मगर हानिया अपने फ्रेंड्स को छोड़कर कॉलेज बैक साइड पर बने गार्डन में तनहा बैठी थी उसका किसी से बात करने का मूड नहीं था उसकी यूनिफॉर्म पर बनी पॉकेट में मौजूद मोबाइल कोई बीस दफा बच चुका था जबकि हानिया इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो फिलहाल किसी से बात नहीं करना चाहती थी किसी को इग्नोर करने की भी कोई हद होती है हानिया मुस्तफ़ा मगर तुम एहसन पिछले आधे घंटे से उसे पागलों की तरह पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था मगर एक वो थी जो यहाँ छुप कर बैठी थी एसन जानता था कि हानिया का मूड क्यों ऑफ है वो उससे इस बारे में बात करना चाहता था मगर वो उससे कहीं नजर ही नहीं आ रही थी और ना ही उसकी कॉल रिसीव कर रही थी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ये शक्ल पर बारह क्यों बजे हुए हैं ऐसन ने उसकी रोने वाली शक्ल देख कहा जबकि हानिया ने हनुज अपनी गर्दन झुकाए रखी और इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया वो इस वक्त एहसन से तो बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहती थी हानिया क्या मसला है कुछ तो बोलो मुझे तुम इस तरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही एहसन ने झुंझला कर बेबसी से कहा आखिर वो क्यों नहीं बोल रही थी एहसन को कोफत हुई तो ना लगूं अच्छी तुम जाओ यहाँ से मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी हानिया ने अपना रूह दूसरी तरफ करते हुए कहा उसे शिद्दत से रोना आ रहा था हानिया तुम इतनी छोटी बात पर इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो अगली दफा और ज्यादा मेहनत करना यकीन फिर फर्स्ट पोजिशन तुम्हारी ही होगी एसन ने हानिया को बाजू से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया और वो वो जो सोच रहा था कि सिर्फ उदास है जबकि हानिया की सुर्ख पड़ती आंखों में से निकलते हुए आंसू देखकर वो एक लम्हे के लिए मुंजमंद रह गया था हानिया की गिरे आंखों के पपोटों पर हल्की सी सुर्खी नुमाया थी और आंसू उसमें से रवानी से बह रहे थे एहसन को लगा अगर वो मजीद इन आंखों में देखेगा तो कहीं और देखना ही भूल जाएगा ये पहली दफा था जब उसे हानिया बहुत खास बहुत महत्लिफ लगी थी दूसरी तरफ हानिया जो पहले ही रोने को तैयार बैठी थी एहसन के जरा सा पूछने पर अपने आंसुओं पर जब न कर सकी प्लीज मत रो हानिया एहसन ने अपनी नज़रें इस पर से हटाते हुए कहा तुम्हें पता है इस बार मैंने कितनी ज्यादा तैयारी की थी फिजिक्स के पेपर की मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि इस बार मैं तुम्हें भी क्रॉस करूं और फर्स्ट आऊं, लेकिन नहीं मैं जितना मर्जी पढ़ लूं, कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकती ने अपने फर्स्ट आए थे जबकि हानिया के मामूली सी गलतियों से तीन नंबर कटिंग हुए थे और वो सेकंड थी हानिया ने कल रात हादी के घर से आने के बाद सुबह चार बजे तक बैठकर अपने पेपर की तैयारी की थी वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी बस हर दफ़ा मामूली सी गलती से वो अपने नंबर कटवा लेती थी जिसकी वजह से इसकी पोजीशन पीछे चली जाती लेकिन इस बार हानिया बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी जबकि एहसन और हामिद जैसे स्टूडेंट्स को क्रॉस करना किसी के बस का काम नहीं था इनके दिमागों में गोया कंप्यूटर फिट थे जो हर काम बिल्कुल परफेक्ट करते थे इनके टीचर्स इनके पेपर्स में गलतियाँ ढूंढते रह जाते थे मगर इन्हें ढूंढने से भी गलतियाँ नहीं मिलती थीं हानिया ये कैसी बातें कर रही हो तुम फर्स्ट ही हो सो में से सतानवे और तुम होके यूं रो रही हो जैसे फेल हो गई हो एहसन को इसका गीला सुनकर और इसे यूं रोता देखकर अपनी ली गई फर्स्ट पोजीशन से जरा भी खुशी नहीं हुई एहसन ने इसे इसके अच्छे नंबरों का एहसास दिलाना चाहा जिसे वो फिलहाल पोजीशन के चक्करों में भूल चुकी थी हम्म रहने दो मुझे तुम्हारी हमदर्दियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम देखना अगले पेपर में मैं ही फर्स्ट आऊँगी हानिया ने एहसन की बात से सर झटकते हुए कहा अब के आंसू आंखों से गायब हो चुके थे वो एहसन को अपना मुकाबल समझ कर उससे जिद लगा चुकी थी जबकि एहसन इसे वापसी जंगली बिल्ली बनता देख कर मुस्कुराया था शोर वाइनाट एहसन ने हल्के से कंधे उचकाते हुए इसे देख कर कहा जैसे कह रहा हो कि फर्स्ट पोजिशन कोई भी मेहनत करके ले सकता है मेरा कौन सा मुस्तकिल उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है क्या अब हम कुछ खा सकते हैं एहसन ने थोड़ा डरने की एक्टिंग करते हुए अपने साथ बैठी हानिया को देखा जो कि अपनी बात कहकर मसलसल इसे घूर रही थी इतने मासूम नहीं हो तुम जितने बनते हो हानिया इसके अंदाज पर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी अच्छा मैंने तुम्हारे साथ कौन सी चलाकी की जो तुम मुझे ये हताब दे रही हो एहसन ने दोनों बाजू अपने सीने पर लपेटते हुए इसे देखकर कहा जिसका मोड अब पहले से काफी बेहतर लग रहा था तुम मेरे साथ कोई होशियारी कर भी नहीं सकते तुम जानते हो ना हदीद भाई ने मुझे फाइटिंग सिखाई है कोई मुझे कुछ कहकर जाए कहाँ? हानि ने गुर से गर्दन अकड़ा कर से देख कर कहा हदीद ने इसे अपना दिफा करना तब सिखाया था जब वो नाइन्थ क्लास में थी इसके काफी बोल्ड और नडर होने की भी यही वजह थी कि वो किसी पर इसार नहीं करती थी हदीत ने इसे अपनी जंग खुद लड़ना सिखाया था जिससे वो बेहद नडर थी

जबकि हानिया ने कभी किसी को लिफ्ट नहीं करवाई थी और एक ऐसा था जिससे वो खुद बात करना चाहती थी जबकि वो इससे भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता जैसे अपने बाकी क्लास से। हानिया को कभी कभी इसका ये लिया दिया सा रवैया बहुत खलता था उफ कितना बोलती हो तुम आकर लंच करना है तो उठो वरना मैं जा रहा हूँ ऐसे ने इसके बाद बढ़ाने से थोड़ा उलझ कर कहा और पलट कर कैंटीन के रास्ते की तरफ चल दिया हानि इसके यूं छोड़कर जाने से सदमे से उठ खड़ी हुई और इसके पीछे लपकी थी क्या मतलब आकर लंच करना है करना है है दिन का एक बज रहा है और भूख से मेरे पेट में चूहों ने दौड़ लगाई हुई है लेकिन तुम जरा जो तुम्हें तमीज होके लड़कियों से कैसे बात करते हैं ओह मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ भूल ही गई कि तुम ठहरे फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट और हम सेकंड आने वाले नालायक और निकम्मे स्टूडेंट आने इसके साथ चलती हुई मुसलसल बोल रही थी जिसे एहसन फर्मा बर्दारी से सर चुका है अपनी पेंट के जेबों में हाथ उड़े से इसके साथ कदम कदम चलता उसे सुन रहा था जबकि हानिया नॉन स्टॉप हर बात के हिसाब से फेशियल एक्सप्रेशन देती और मसलसल इसकी थोड़ी देर पहले दिखाई गई हल्की सी बेरुखी पर इसे कोस रही थी और एहसन मसलसल दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि वो यहाँ आया ही क्यों उसे मनाने जारा और नूरी पब्लिक लाइब्रेरी आई हुई थी नूरी पहली दफा जारा के साथ लाइब्रेरी आई थी और इतनी बड़ी तरह तरह की किताबों से लबरेज और तरीके से रखी गई किताबों को हैरत से मुंह खोले देख रही थी जारा को दादी ने बहुत मुश्किल से इजाजत दी थी लाइब्रेरी जाने की दादी इसे कभी भी अकेले कहीं जाने नहीं देती थी इसलिए जारा ने अपने साथ नूरी को लेकर जाने का फैसला किया ड्राइवर ही इन दोनों को लाइब्रेरी लेकर आया था और अब बाहर गाड़ी में इन दोनों का इंतजार कर रहा था जारा को नूरी की हौनक जदासी शक्ल देखकर हंसी आ रही थी नूरी अपना मुंह बंद करो रैक से किताब निकालते हुए जारा ने एक नजर अपने पीछे खड़ी नूरी को देख कहा आ जी नूरी ने फौरन हड़बड़ा कर अपना मुंह बंद किया जारा जिस जिस रैक के पास जाती और किताबों के कवर पेज उनके टाइटल को देखती नूरी बिल्कुल उसके पीछे पीछे रहती उसे फॉलो करती नूरी तुम भी देख लो अगर कोई बुक या स्टोरी तुम्हें अच्छी लगती है तो मैं तुम्हें ले दूंगी लेकिन प्लीज़ इस तरह मेरे साथ साथ मत चलो जारा ने उसका ध्यान इर्द गिर्द लगे दूसरे रैक की तरफ करवाया और उसे भी अपने लिए कोई बुक देखने को कहा नहीं जारा बाजी मैं आपके साथ ही रहूंगी इतनी बड़ी लाइब्रेरी में अगर मैं रास्ता भूल गई तो मैं तो कभी घर नहीं जा सकूंगी नूरी ने घबराते हुए थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलते हुए कहा शहाँ पर इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते नूरी जारा ने अपने गुलाबी होंटों पर उंगली रखकर से इसे चुप रहने का इशारा किया और तुम कौन से जंगल में हो जो घुम हो जाओगी जारा ने एक नज़र इर्द गिर्द खामोश से किताबों का मुताया करते लोगों को देख कर कहा फिर नोड़ी की रोने वाली शक्ल देख कर इसे अपने साथ ही रखा तकरीबन आधे घंटे में जारा को दो स्टोरीज बुक इंटरेस्टिंग लगी तो इसने इन्हें इशू करवाने के लिए अपने हाथ में थाम लिया और मजीद एक आधी किताब उठाकर यूं ही वक्त गुजारी के लिए उर्दू किताबों की वर्कदानी करने लगी अभी इसे कोई वहां खड़े दस मिनट ही गुजरे थे जब एक अजनबी सी आवाज इसके कानों से टकराई हाय व प्लेजेंट सरप्राइज शहीद ने काफी हैरानी का इजहार करते हुए अपने सामने खड़ी जारा को देखा जो लाइट पिस्ता कलर के ड्रेस में मलबूज थी पिस्ता रंग का दुबट्टा जिसके किनारों पर मेहरून रंग के छोटे शीशे लगे हुए थे जारा ने अपने सर पर ओढ़ा हुआ था कंधों पर मेहरून, गर्म शाल को जारा ने अच्छे से अपने गिर लपेटा था माई ने कंधे पर लॉन्ग स्ट्रैप वाला ब्लैक पर्स डाले जारा हैदर हर एक को अपनी तरफ मतवजा करने की ताकत रखती थी जबकि अपनी खूबसूरती से बेनियाज वो अपने काम में मसरूफ थी उसे एक पल के लिए अपने सामने देख कर जारा पहचान न सकी जबकि जहन पर काफी जोर डालने के बाद भी उसे कुछ समझ ना आया तो वो खामोशी रही क्या हुआ आपने मुझे पहचाना नहीं शहीर ने इसकी आंखों में अपने लिए अजनबीयत देखकर पूछा जारा ने पलटकर एक नजर नूरी को देखा और फिर हल्का सा नफी में सर हिलाया मैं शहीर हूँ हमारी मुलाकात हुई थी आपके घर पर इसके अलावा मैं आपका होने वाला मंगेतर शहीर ने गोया बहुत क्लियर वर्ड्स में अपना तारुफ करवाया था और अब वो जारा के तासुरत को बड़े गौर से देख रहा था जारा जो इसकी तरफ देख इसकी बात सुन रही थी लफ्स मंगेतर पर फौरन इसे नजरें चुरा गई थी नूरी तो बड़ी हैरानी से रेड शर्ट पर ब्लैक पेंट कोट में मलबूस ताजा दम से शहीर को देख रही थी जिसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी जारा हैदर को देखते हुए नूरी ने आज इस बात का एतराफ किया था कि सब अमीर लोग ही बहुत खूबसूरत होते हैं क्या आपको अब भी याद नहीं आया शहीर ने मसलसल इसको खामोश देख कहा न नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हमें देर हो रही है हम चलते हैं ज़ारा ने अपने दिल की कैफियत को काबू करते हुए बामुश्किल फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए इसे देखकर कहा और अपने पीछे खड़ी नूरी का हाथ पकड़कर आगे की तरफ चल दी क्या हमें कब कॉफी पी सकते हैं इकट्ठे शहर ने इसे सरजाता देखकर इसके साथ चलते हुए कहा मैं कॉफी नहीं पीती ज़ारा के स्पॉट से चेहरे से कहा और مسلسل चलती रही उसका रुख मेन काउंटर की तरफ था चाय शहीर ने इसके अंदाज और जवाब पर मुस्कुराते हुए पूछा शहीर को इसका हर अंदाज मतवजा कर रहा था जिसे वो बहुत दिलचस्पी से देख रहा था मुझे चाय भी नहीं पसंद जारा ने बामुश्किल अपने लहजे को नॉर्मल रखा जबकि उसे शहीर के रवैये से कोफत हो रही थी लंच के बारे में क्या ख्याल है उसे यह अप्सरा सी लड़की बहुत मतवजा कर रही थी शहीर ने उसके साथ ही हम कदम होकर चलते हुए पूछा जबकि वो अपनी बात से जारा के चेहरे के बदलते बहुत कर रहा था मैं लंच करके आई थी जारा ने इसे देखकर से देख से से चेहरे कहा और अपने सामने देखा तो इसे हुई बुक्स इशू करवाने के लिए बहुत लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी जारा बा मुश्किल अपनी किस्मत पर अफसोस करती लाइन में जाकर खड़ी हो गई आप लाइन में क्यों खड़ी हुई हैं मेरे होते हुए आपको लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं शही ने जारा को देखकर हल्की सी हवकी से कहा लाइये बुक्स मुझे दें मैं दो मिनट में इशू करवा कर लाता हूँ जारा के हाथ से किताबें लेनी चाहीं जब उसका हल्का सा हाथ जारा के हाथ से टच हुआ जारा एक पल के लिए घबरा गई थी और किताबें उसके हाथ से छूट गईं जारा दो कदम पीछे हुई थी वो एक पल के लिए हवास बहता रह गई थी शहीर के यूं हाथ से किताबें लेने पर शहीर ने फौरन इसकी हालत देखते हुए एक्सक्यूज किया नूरी ने झुक कर किताबे उठाई और शहीर की तरफ बढ़ा दी जिसे वो थामता हुआ फौरन इशू ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा था जबकि जारा अभी तक अपनी जगह पर सुन खड़ी थी दिल था एक अजीब लैब में धड़क रहा था बहुत बेचैन बेबस हो गया था दो मिनट बाद ऑफिस से बाहर आया और किताबें जारा की तरफ बढ़ाई साथ जारा का लाइब्रेरी कार्ड भी जारा ने अपनी घनी पलकों की जालर उठा कर इसे देखा जारा की पलकें इतनी बड़ी कि जब वो अपनी आंखें पूरी खोलती तो इसकी पलकें इसके आई से हल्का सा नीचे मालूम होती थीं। लाइब्रेरियन शहर का दोस्त था जिसकी वजह से इन्होंने इससे कोई गारंटी वगैरह नहीं ली थी बुक्स की नूरी ने इसे खामोश खड़ा देख कर खुद आगे हाथ बढ़ाकर किताबें थाम ली शुक्रिया जारा ने मुहतर सा जवाब दिया और उसके पास से गुजर कर जाने लगी जब शही दोबारा बोला क्या आप बातें नहीं करती शहिर ने इसे रोकना चाहा श को तो जारा हैदर किसी और ही दुनिया की महलूक लगी जो ना सिर्फ खूबसूरत होने के साथ साथ आदतों में दूसरी लड़कियों से हद दर्जा मुत्लब थी किसी से बात करने के लिए ताल्लुक और वजह का होना जरूरी है जबकि हमारे दरमियन ऐसा कुछ नहीं जारा ने अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा जबकि दिल में किसी का अक्स और जहन में किसी की बातें शिद्दत से याद आई थीं। शही उसके जवाब से मुस्कुराया था और हल्का सा सर नफी में हिलाते हुए अपनी बात कही वैसे आप बहुत दिलचस्प हैं सबसे मतलब सबसे मुनफरद और रही बात ताल्लुक की तो वह बहुत जल्द हम दोनों में बनने वाला है खुदा हाफिज जरा ने उसकी बात और मुसलसल खुद को तकती निकाहों से फरार हासिल करने के लिए वहां से जाना ही बेहतर समझा और वैसे भी जारा हैदर कब किसी से इतना फ्री होती थी या किसी से बात करती थी जारा अपनी बात कहकर लाइब्रेरी से बाहर निकली जब शहीद ने उसे पीछे से आवाज दी मगर जारा के जहन में कुछ और ही चल रहा था वो किसी और ही ख्याल में थी और अपनी रोम में लाइब्रेरी से निकलती चली गई जब अचानक उसे अपनी कलाई पर अनजाना सा लम्बस महसूस हुआ जारा की यादों का एक मिनट में टूटा था उसने करंट खाकर पलट कर देखा था जबकि शहीर बड़े इतमान से उसका हाथ पकड़कर खड़ा था जारा अपनी कार से कुछ फासले पर खड़ी थी जारा ने ना गवाड़ी से एक नजर अपने हाथ की तरफ देखा और दूसरी नजर शहीर को इससे पहले कि शही कुछ बोलता किसी ने आकर शहीर का हाथ बड़ी मजबूती से अपने हाथ में पकड़कर जारा की कलाई से अलहदा किया था नूरी हैरत से जारा के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी बाकी इन अगली वीडियो में उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए शुक्रिया